सारस कितना सुंदर पक्षी है, लंबी टांगें, सफेद पंख, लाल चोंच, ये देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। खेतों में, तालाबों के पास ये हमारा साथी है, ये प्रकृति का एक अहम हिस्सा है। सारस हमें बहुत कुछ सिखाता है, ये हमें प्यार, समर्पण और त्याग का पाठ पढ़ाता है। ये हमें दिखाता है कि जीवन में कितनी मुश्किलें आती हैं, लेकिन ये भी सिखाता है कि मुश्किलों का सामना कैसे करना चाहिए। सारस का जीवन आसान नहीं होता, इसे भी बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। खाना ढूंढना, शिकारियों से बचना और सबसे बढ़कर अपने परिवार का ध्यान रखना, यह सब कुछ सारस बहुत ही लगन और ईमानदारी से करता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में ऐसी ही लगन और ईमानदारी दिखाएं। सारस अपना घोंसला बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वे सूखी घास, टहनियाँ और पत्ते जमा करते हैं, अपनी चोंच से उन्हें बुनते हैं, एक मजबूत और सुरक्षित घोंसला बनाते हैं। घोंसला बनाना आसान काम नहीं होता, उन्हें ऊंची जगह ढूंढनी पड़ती है जहां पानी न भर सके, जहां खतरनाक जानवर न आ सकें। यह काम वे साथ मिलकर करते हैं, नर और मादा दोनों मिलकर मेहनत करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। यह हमें दिखाता है कि साथ काम करना कितना जरूरी है। घोंसला तैयार होने के बाद मादा सारस अंडे देती है। अब शुरू होती है उनकी असली परीक्षा। सारस एक दूसरे के प्रति बहुत वफादार होते हैं, वे जीवन भर के लिए जोड़ी बनाते हैं, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। यह प्यार और समर्पण का प्रतीक है। नर और मादा दोनों मिलकर अंडों की देखभाल करते हैं, बारी बारी से अंडों को सेते हैं। धूप में, बारिश में, ठंड में वे अपनी ड्यूटी करते रहते हैं। यह हमें सिखाता है कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, प्यार का मतलब होता है एक दूसरे का साथ देना हर सुख दुख में। सारस का प्यार हमें दिखाता है कि सच्चा प्यार कैसा होता है। यह प्यार त्याग और समर्पण से भरा होता है। अंडों की रक्षा करना आसान काम नहीं होता, शिकारी जानवर हमेशा घात लगाए रहते हैं। लोमड़ी, सियार, जंगली कुत्ते सब अंडों को खाना चाहते हैं। सारस अपनी चोंच और पंखों से अंडों की रक्षा करते हैं। वे बहादुरी से शिकारियों का सामना करते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना वे अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। यह हमें सिखाता है कि माँ बाप का प्यार कितना निस्वार्थ होता है। वे अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनकी रक्षा के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। सारस का त्याग हमें प्रभावित करता है। यह हमें सिखाता है कि हमें भी अपने प्यारों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अंडों से बच्चे निकलने के बाद सारस के लिए एक और चुनौती शुरू होती है। अब उन्हें अपने बच्चों के लिए भी खाना ढूंढना होता है। वे दूर दूर तक उड़ान भरते हैं, खेतों में, तालाबों में, जहां कहीं भी उन्हें खाना मिलता है वे वहां जाते हैं। वे अपने बच्चों के लिए कीड़े मकोड़े, मेंढक, मछलियाँ और छोटे जीव पकड़ते हैं। यह काम भी आसान नहीं होता, कई बार उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता है, कई बार उन्हें भूखा ही रहना पड़ता है, लेकिन वे हार नहीं मानते। वे जानते हैं कि उनके बच्चे उन पर निर्भर हैं, वे अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते। यह हमें सिखाता है कि हमें भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। सारस अपने बच्चों को उड़ना और शिकार करना सिखाते हैं, वे उन्हें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं।
यह सब कुछ करने में उन्हें बहुत समय लगता है, लेकिन सारस कभी शिकायत नहीं करते। वे अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए वे हर तरह का त्याग करने को तैयार रहते हैं। यह हमें सिखाता है कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। परिवार के लिए हमें हर तरह का त्याग करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए और उन्हें जीवन में सफल बनाने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। सारस का त्याग हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपने परिवार के लिए जिएं। सारस सिर्फ एक पक्षी नहीं है, यह हमारे पर्यावरण का एक जरूरी हिस्सा है। यह खेतों से हानिकारक कीड़े मकोड़े खाकर फसलों की रक्षा करता है। यह बीमार और कमजोर जानवरों को खाकर बीमारियों को फैलने से रोकता है। यह प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए हमें सारस का सम्मान करना चाहिए। हमें उनके रहने की जगहों की रक्षा करनी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में भी ये सुंदर पक्षी हमारे आसपास रहें। सारस हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ मिलकर कैसे जीना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। सारस का जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है। यह हमें प्यार, समर्पण, त्याग, जिम्मेदारी और प्रकृति के प्रति सम्मान का पाठ पढ़ाता है। यह हमें दिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें सारस से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन को भी उसकी तरह सुंदर और सार्थक बनाना चाहिए। हमें अपने परिवार और समाज के लिए कुछ करना चाहिए। सारस का त्याग हमें याद दिलाता है कि जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं होता, यह दूसरों के लिए जीने का भी